देखो, कई लोग बोलते हैं कि नो फ्लैप करने से आप स्ट्रांग बनते हैं, आपकी बुद्धि साफ होती है। तो एक चीज़ बता दूं आपको कि आपको ये खुद करके देखना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेदा में ये बताया गया है कि अपने शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसे और कैसा बढ़ाया जाए, उसके बारे में बताया गया है, ना कि उसमें किसी बीमारी को ठीक करने के बारे में बताया गया। उसमें बताया गया है बीमारी को ठीक करने के बारे में, लेकिन कई चीज़ ऐसी है जो आप स्वस्थ हो तो उसे और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए जो ये एलोपैथी है वो ये सबको नहीं मानते, क्योंकि एलोपैथी में बस यही बताया गया है कि किसी बीमारी के इलाज कैसे करें, अस्वस्थ आदमी को स्वस्थ कैसे करें, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया है एलोपैथी में कि आप स्वस्थ हो उसे और स्वस्थ बलशाली कैसे बनाएं। तो यही कारण है कि एलोपैथी इसका सपोर्ट नहीं करता कि अपना वीर्य को इकट्ठा करो, उसके निकालो मत, उसको बहाओ मत, उसको बर्बाद मत करो। वो इसका सपोर्ट नहीं करती, इसका सपोर्ट आयुर्वेदा करता है, क्योंकि आयुर्वेदा में आप जो स्वस्थ हो उसे और बलशाली स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, अपनी बुद्धि को शार्प है उसे और शार्प कैसा बनाया जाए उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप सोच रहे हैं, आप गूगल में ढूंढ रहे हैं कि क्या नो फैप से हम स्ट्रांग बन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे कई वेबसाइटें मिलेंगे कि इसके फायदे भी बताएंगे, इसके नुकसान भी बताएंगे, लेकिन वो बस किताबी नॉलेज है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसका सही बेनिफिट क्या होता है। देखो, पहले तो आपको इच्छाओं को समझना पड़ेगा। इच्छाएं कैसे उड़ती है? इच्छाएं मन के द्वारा उड़ती है, ना कि आपकी आत्मा के द्वारा। देखो, मन तो आपका नहीं है, ना ये शरीर आपका है, तो आप इसके बातों में क्यों आते हो? आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप इसके बातों में आओगे तो आपको वो कृत्य करना पड़ेगा जो मन बोल रहा है, और मन तो चंचल होते हैं, या तो आपको कोई भी करने को बोल देगा, कोई भी कृत्य करने को बोल देगा, आपको उसे करना पड़ेगा। लेकिन आपको मन के बात में नहीं आना है, क्योंकि मन तो दूसरा है, जो हो आप वो नहीं है मन, ना आपका शरीर आपका है, ना ये मन आपका है, ना कोई लोग आपके हैं, ना आपकी गर्लफ्रेंड आपकी है, ना आपकी माँ आपकी है, ना आपके पापा आपके हैं, नहीं आपके कोई आपके नहीं, आप बस आप आत्मस्वरूप हो। आपको समझना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे तो बस भाव डाल दो उसका कि आप आत्मस्वरूप हो, भाव डाल दो, खुद बन जाएगा बात। आप भाव डालना सीख गए ना, तो आपको कोई भी चीज़ आपको दुखी नहीं कर सकता कि ये आत्मस्वरूप का भाव कैसे डालें। आप कहीं पे भी ढूंढोगे, गूगल में ढूंढोगे, आपको कोई बताने वाला नहीं कि इसका भाव कैसे डालें। लेकिन आप मेरे से बात करोगे तो मैं इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी दूंगा। अगर आप ये भाव करना सीख गए तो आप हर चीज़ अर्ज से उसी क्षण दूर हो जाओगे। लेकिन आपको ये भाव ही नहीं है, आप अपने आप को शरीर ही मार रहे हो, तो आप कभी भी इससे मुक्ति पाने की इच्छा में मत हो। अगर आप इससे मुक्त होने की इच्छा में रहोगे तो आप मानसिक रूप से बीमार पड़ जाओगे। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करोगे, सेक्स नहीं करोगे, तो आपके मन में तो उठेंगी इच्छाएं, तो मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सही तरीके से ज्ञान प्राप्त करना है इसके बारे में, तभी आप इसका पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन ऐसा नहीं कर सकते। आपने कई लोग को देखा हो, कई लोग पागल पड़े हैं, इस साधु महात्माओं को देखा होगा जो लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचारी हूँ। अरे, आप उनके मानसिक स्थिति को जानते हो, कैसे पागल रहते हैं? आप नहीं जानते। अगर आपको सच में ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो आपको सही नॉलेज चाहिए। नॉलेज ये आपको किताब से नहीं मिलेगा, किसी भी किताब से, जो कि किताब में आप पढ़ोगे तो वो तो किसी गुरु, किसी साधु के बताए हुए नियम के बारे होंगे। लेकिन आपको सही नियम तभी मिल पाएगा जब आप सही नॉलेज पाओगे, और वो सही नॉलेज मैं आपको दूंगा। और सही नॉलेज ये है कि आपको अलग मानना पड़ेगा,
आपको मन को अलग मानना पड़ेगा, तभी आप इससे मुक्त हो सकते हो। अपने आप से मन को अलग मानना पड़ेगा। आपके मन में जो उठ रहा है उसे उठने दो, आप छोड़ दो बस, उसमें जो उठ रहा है उसे छोड़ दो। लेकिन आप में ये भाव ही नहीं है, आत्मस्वरूपा भाव नहीं है, तो आप कैसे इससे मुक्त हो सकते हो? आपके मन में जो उठेगा आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप में वो भाव ही नहीं है, आप मन ही हो समझो। आप मन में उठ रहा है आपको उसे मानना ही पड़ेगा, या फिर उसको नियंत्रित करना पड़ेगा, उसको सजा देना पड़ेगा। और सजा देना, दबाना बहुत बुरी चीज़ है। अब जितना दबाओगे कोई भी चीज़ को, जैसे कि आप मस्टरबेशन नहीं करें, आप 1 महीने तक नहीं किए मस्टरबेशन, आपने दबा दिया इच्छा को कि आपके में इच्छा आ रहा है, आपने उसे दबा दिया, लेकिन 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो इच्छा एक ऐसे जो बांध टूटता है ना, जो बड़े बड़े बांध बांध के अंदर पानी वानी होता है, जब बहुत भर जाता है तो टूट जाता है, वैसे ही आप टूट जाओगे, आप मानसिक रूप से पीड़ित हो जाओगे। आप और इससे पीछा छुड़ाने के बजाय इसमें और लिप्त हो जाओगे। तो आप किसी भी YouTube चैनल से आप ये कभी भी सीख कर इसका पालन कभी भी ना करें, क्योंकि सभी YouTube चैनल बस किताबी नॉलेज के हिसाब से आपको बताते हैं, तो आप उसका पालन कभी भी ना करें। अगर आप अभी भी कर रहे हो नो फैप का पालन, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप नो फैप का पालन करोगे आपके में अर्ज उठ रहा है, आप उसे दबाते होगे। आपके में कुछ चीज़ करने का अर्ज उठा, मस्टरबेट करने का अर्ज हुआ, पोर्न देखने का मन उठा, तो आप उसे दबा दिए कि हाँ मेरे को नहीं देखना, ये बुरी बात है, हमने दबा दिया। वो दब गए अंदर, निकला थोड़ी है वो, जो आप में आपके मन में आया वो बात उसने आप नीचे दबा दिया, अपने शरीर में ही दबा दिया, तो वो तो निकलेगा कुछ दिन, इकट्ठा होगा। जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है ना बांध में, जब बहुत हो जाता है तो बांध टूट जाता है, फिर पानी पूरा निकल जाता है, गांव को बर्बाद कर देता है। उसी तरह आप भी हो जाओगे बर्बाद। तो आपको ये चीज़ जान लो, दबाना नहीं है कोई भी चीज़ को। आपको कोई भी चीज़ करने का मन है करो उसे, आप दबाओ मत। अगर आप सच में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो अभी मेरे से बात कीजिए।